में ब्रज मंडल यात्रा आज सुबह 10 बजे शुरू होगी। हिंसा की आशंका पर इंटरनेट बंद, बल्क एसएमएस पर रोक, पैरामिलिट्री तैनात, ड्रोन से निगरानी। जी हां दर्शकों, आपको बता दें कि हरियाणा में आज सुबह 10 बजे से नूह मेवात के पांडवकालीन महादेव मंदिर नल्लड़ से ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा का आयोजन होगा। यह यात्रा फिरोजपुर झिरका के झिरकेश्वर महादेव मंदिर से होते हुए पुन्हाना के श्रृंगार श्रृंगेश्वर महादेव मंदिर तक पहुंचेगी। 80 किलोमीटर की इस शोभा यात्रा को संपन्न करने के लिए प्रशासन ने आयोजकों को 5 घंटे की अनुमति दी है। इस 5 घंटे की यात्रा के लिए जिला प्रशासन ने बड़े पैमाने पर प्रबंध किए हैं। जिले में 2000 से ज़्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। 2 दर्जन से अधिक जगहों पर नाके लगाए गए हैं। ड्रोन से यात्रा मार्ग और आसपास के इलाकों की निगरानी की जा रही है। प्रशासन की कोशिश है कि जिले में पिछले साल की भांति कोई वारदात न हो। रविवार देर रात को गांव का दौरा करने के बाद पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन नरहेश्वर मंदिर नू पहुंचे। यहां उन्होंने जलाभिषेक यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन डॉक्टर इमाम उमेर अहमद इलियासी ने लल्लड़ में कहा है कि इस बार हम ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा को सफल बनाने के लिए कार्य करेंगे। पिछले साल जो हमारे ऊपर दाग लगा है उसे साफ करने का इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिल सकता। उन्होंने विशेष रूप से मुसलमानों से अपील की कि दूसरे धर्मों का आदर करें। साथ ही उन्होंने कावड़ियों के लिए भी मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की कि उन पर फूल बरसाए, पानी पिलाए, उनका स्वागत करें। इसी से हमारा भाईचारा बना रह सकता है। पिछले साल यात्रा के दौरान हुई हिंसा को ध्यान में रखते हुए एहतियात के दौर पर प्रशासन ने जिले में मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया है। प्रशासन के आदेश अनुसार 21 जुलाई शाम 6 बजे से 22 जुलाई शाम 6 बजे तक 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद है। इस अवधि में बल्क एसएमएस भेजने पर भी रोक लगी है। साथ ही डोंगल इंटरनेट भी नहीं चलेगा। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स और कमांडोज तैनात किए गए हैं। ड्रोन के जरिए पूरे नूह और अरावली की पहाड़ियों की निगरानी की जा रही है। हरियाणा पुलिस लगातार फ्लैग मार्च निकाल रही है। यहां जमीन से आसमान तक सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। नूह में इंटरनेट बंद करने को लेकर जिला मजिस्ट्रेट धीरेन्द्र खड़गड़ ने कहा, इंटरनेट सेवाओं का मिसयूज कर भड़काऊ सामग्री झूठी अफवाहों का प्रसार किया जा रहा है। इसी परिणाम स्वरूप जिले में सार्वजनिक संपत्तियों व सुविधाओं को नुकसान और कानून एवं शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। मोबाइल इंटरनेट से व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि विभिन्न सोशल मीडिया माध्यमों से गलत सूचना व अफवाह फैलाई जा सकती है। भीड़ को इकट्ठा कर आगजनी, बर्बरता या किसी प्रकार की हिंसा हो सकती है। सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ऐसा न हो इसके लिए प्रशासन ने यह कदम उठाया है। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक सुविधा व लोगों की बुनियादी घरेलू जरूरतमंदों को समझते हुए पर्सनल एसएमएस, मोबाइल रिचार्ज, बैंकिंग एसएमएस, वॉइस कॉल, कॉरपोरेट और घरेलू ब्रांडेड और लीज लाइनों द्वारा मिलने वाले इंटरनेट सेवाओं को छूट दी है।